तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है गेम गुरु जी पर। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित। और यार आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और यार पिछले 2 दिन से मैंने कुछ बनाया है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और साथ ही साथ एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपको ले जाऊंगा जहां पर मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला है। और अनफॉर्चुनेटली मैं मर भी गया वहाँ पर क्योंकि पहाड़ से नीचे उतर रहा था और अपनी जगह को ढूंढ रहा था। बहुत टॉप पर था मैं, बहुत ऊपर पहाड़ के। तो यार वहाँ पर मैं नीचे आ रहा था और अपनी जगह को ढूंढ रहा था कि कहाँ पर है। तो यार फिसल गया पैर और सीधा गया खाई में। और वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा सोना वगैरह है और ओपन एरिया। तो यार अब मैं पहले आपको बता दूँ, ये है हमारा घर और ये गुफा टाइप का घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सब कुछ किया है। और यहाँ पर आगे मैंने जो है ये खाई, मतलब यार मैंने एक पूरा खदान टाइप का बनाया था और उसमें मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पर ये अभी काम चालू है, मैं काम कर रहा हूँ इस पर मेरे पास अभी जो है बहुत कम चीज़ें हैं तो उससे काम चलाना पड़ रहा है। और अब मुझे भट्टी वगैरह चलानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, तो हमारे पास ये सारे वुड्स वगैरह है तो हम इन सब को ले लेते हैं। और सच में भाई साहब बहुत ज़्यादा सोना था वहाँ पर और वो सोना लेने तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं इसको। ओके, हमें यही करना पड़ेगा अब तो। लकड़ी का जो है, ठीक है ठीक है ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा हो। ओके, स्टिक हमारे पास नहीं है अभी और स्टिक बनाते हैं। ओ यार स्टिक होगी पर ये नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। तो हमने ये ले लिया, ये भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यार चलते हैं महान कार्य के लिए। ओ माय गॉड, अंधेरा हो गया। सो यार आप सबको बताइए अंधेरे में क्या होता है, बहुत ख़तरनाक सी चीज़ है। तो यार अंधेरे में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डरावनी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। मैं ये सारी चीज़ें रख देता हूँ, मेरे पास अगर ये सारा है तो क्या चिंता है। तो ये भी ले लेता हूँ, ये थोड़ा लेवल कम है इसका तो। ओके, अब ये सारी चीज़ें हम भट्टी में डाल के देखते हैं क्या कुछ बन सकता है। वैसे यार एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं बहुत अनाड़ी हूँ इस गेम में अभी तक, बहुत अनाड़ी इन द सेंस कि मैं बहुत कम खेला हूँ अभी तक इस गेम को। और लेदर ये सूट बना देते हैं मेरे पास, लेदर का हेलमेट। वैसे वहाँ पर मेरा सोने का हेलमेट पड़ा हुआ है। ओहो, बहुत सारी चीज़ें बनानी अभी बाकी गाइस। और यहाँ पर मैं फेदर वगैरह सब कुछ लेकर आया था लेकिन आपको जैसे पता है मैं वहाँ पर गिर गया और उसकी वजह से मैं कुछ भी सही से नहीं ला। लेकिन मेरे पास चारकोल है क्या? चारकोल कहाँ पर है? मैंने रखा तो होगा। ओ भाई चारकोल ही नहीं है, चारकोल बनाना पड़ेगा। पर चारकोल के बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी यार, बहुत डिफिकल्टी है। सो नीचे जॉम्बीज आने स्टार्ट हो चुके होंगे, अंधेरा हो चुका है यार। जॉम्बीज वाली रात को मैं अभी अभी सरवाइव करके आऊँ और यार सच में बहुत ज़्यादा जॉम्बीज है वहाँ पर, बहुत खतरनाक सा है। देखिए यहाँ पर ये मुझे गोल्ड जो है गोल्ड भी मिला था, बहुत ख़तरनाक है सारी चीज़ें यहाँ पर। ओके, इसका क्या कर सकते हैं? पॉलिश, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। वैसे अभी हमारे पास रोप बहुत कम है, ये लीवर भी बना सकते हैं। ठीक है, दो लीवर ले लिए। भट्टी का भी काम नहीं है मेरा अभी यार, बहुत सारे चीज़ें बनाने बाकी है लेकिन। ठीक है, इसे भी ले लेते हैं, शायद इससे कुछ बन रहा हो। एक स्वाड और ले लेते हैं। सो क्या अंधेरे में निकलते हैं? बस भाई
इनके ऊपर लगा सकते हैं क्या? अच्छा हम लीवर वाला वो बना सकते हैं। यहाँ पर लीवर वाला कुछ था तो सही, मैंने देखा तो था। नहीं अभी नहीं बना सकते, कहाँ पर था ये रहा ट्रैप कुछ करके, पर हमारे पास नहीं है ना। ओके ये हमारे पास इतना लेदर तो है, तो इसे हमारा ये हेलमेट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन लेदर कम है गाइस, लेदर कम है तो हेलमेट बना लेते हैं एक, तो हेलमेट पहन भी लेते हैं, बनाया तो है। पता है 2 दिन में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी है इस गेम में, और सच में बहुत ही फैंटास्टिक गेम है ये। अब हमारे पास ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, और यहाँ पर देखिए यार बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, सामने आप देख रहे हैं। और ये ई वाला तो यही बंदा है, ये हमेशा घूमता रहता है मेरे घर के आसपास ही दिखता है, अपने दोनों जानवरों को लेकर, और हमेशा घर के आसपास दिखता है। ये देखो आया, और नीचे जाके जॉम्बीज को तो मारना ही है, बस एक बार सुबह हो जाए तो उसके बाद हम देखते हैं। पर तब तक के लिए हम थोड़ा खुदाई कर लेते हैं पूछे जहाँ पर हमारा काम चालू था, और इस जगह पर मैंने बहुत ज़्यादा खुदाई नहीं की अभी, और मैं स्ट्रेट में ही जाऊँगा अभी खुदाई के लिए। मुझे तो टेंशन ये है कि वो जगह कहाँ पर, जहाँ पर मैं पहले मरा था वो जगह मुझे याद नहीं है कि कौन सी जगह थी वो याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं अभी स्ट्रेट में ही खुदाई करूँगा, क्योंकि बाद में वाट लग जाती है मेरी ऊपर आने में। अभी तक मैं गुफा वगैरह में नहीं गया हूँ, और उसके लिए मेरे पास इक्विपमेंट इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं गुफा में जाके सरवाइव भी कर लूँ, तो थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम, तो गुफा में अभी नहीं गया। पर बाहर की दुनिया अभी तक मैंने सही से नहीं देखी कंप्लीट, मतलब मैं अभी चालू नहीं हुआ। तो यार ये घर कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। ये हमारा पहला वीडियो है माइनक्राफ्ट का, सो आई होप आपको पसंद आएगा। एक्चुअली यहाँ पर कुछ आवाज़ आई ज़रूर है, और ये कुछ क्या है, क्या है कुछ है। एक तो अंधेरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं अभी कुछ लाइटें वगैरह लेकर आता हूँ, और उसके लिए भी चारकोल चाहिए होगा। मेरे पास चारकोल नहीं है गाइस, क्या करूँ। चारकोल 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 के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई आया क्या? वैसे ये जगह कैसी आपको लगी? वैसे बहुत ऊपर है, और यहाँ से मतलब ऊपर आना बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए, ज़ॉम्बीज के लिए। मेरे पास लाइट है वगैरह कुछ नहीं है गाइस। ये बना देते, ये एडेसिट है तो ये बना दिया, ये भी बना देते हैं ठीक है। और कुछ बाकी है गाइस? पर यार अंधेरा बहुत है, और मतलब यार रिमूवेम्बो की तरह अंधेरा कायम रहे वैसा चीज़ है। वाइट रोज से ये बनता है ब्लैक डाई। अब वैसे ब्लैक डाई मेरे पास बहुत सारा है, मैं चारकोल को ढूंढ रहा हूँ लेकिन चारकोल तो नहीं है मेरे पास। ये इंक सेक है, और कुछ चीज़ें बना सकते हैं, क्या कुछ बना सकते हैं देखना पड़ेगा। यहाँ से हम सारी चीज़ें खाली करके ही निकलेंगे। ये भेड़ बकरी लेके आ जाता है हर वक्त यार, सच में बहुत परेशान कर देता है बंदा। तो हम
सारी चीजें डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलने की बारी आ चुकी है, हम निकलेंगे अब रात के अंधेरे में। क्या मुझे डर लग रहा है गाइस यार, कहीं मैं निकला और इस बार भी मुझे मार दिया गया, तो मुझे मतलब यार मुझे जो है इस साइड वाले, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस साइड मुझे जाना है, इस साइड ही मैं फंसा था। और सुबह होने आई है गाइस, आओ वाओ, सुबह 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 का सूरज देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। माइनक्राफ्ट बहुत ही सही गेम है। और अब हम सुबह के सूरज को देख रहे हैं, मतलब अब हमारा निकलने का समय आ गया। मैं यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगाने वाला हूँ, लेकिन ये अभी टेम्परेरी होम है हमारा। आ जाओ भाई, तुम्हारा इंतज़ार था। कुछ अच्छे जॉम्बिस भी होते हैं और कुछ ऐसे जॉम्बिस जो बहुत ज़्यादा पानी मुझे मार रहा है। तो सुबह के करीब 5 बजे है शायद। ओ भाई, ये बंदा यहाँ पर क्या करा है? साले तेरी तो हर बार थोड़ी मारेगा मुझे। कैसे हो अंकल? बाय 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 बाय, थैंक यू। बाय 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 बाय, थैंक यू। पता है यार, ये बंदा जो है ना, ये बंदा हर बार मुझे मारता है, ये धनुष वाला। और ये मतलब हर बार समझता है कि ये बंदा मरेगा ही हर बार। इस बार इसका जो है खाका मैंने पलट दिया। अबे पीछे ये लोग, सच में ये ओ वाली आवाज़ है ना, बहुत घटिया लगती मुझे। ओके, तो हम सही जा रहे हैं, और इसी दिशा में मैं गया था, डायरेक्शन में बोलूँ तो, वरना कोई कहेगा इतना शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेता है भाई। मुझे बर्फ़ वाली इलाका ढूंढना है जहाँ पर मैं मरा था। हाँ, तो ये आ गया भाई लोग। आई डोंट नो, वहाँ पर होगा होगा तो सही, वैसे हर बार होता ही है। और कौन सा इलाका बर्फ़ वाला है? मैं पेड़ के पास मरा था। वाह, बच्चे खेल रहे, वाह वाह। यार बर्फ़ वाला तो बहुत सारा इलाका है यहाँ पर। अब मैं आइडेंटिफाई कहाँ से करूँ कि मैं कहाँ पर मरा था? आई डोंट नो यार, इतना बड़ा इलाका है ये। यार ये जगह बहुत भूलभुलैया वाली है, तो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा वो इलाका जहाँ पर मैं मरा था, और उस इलाके में ही सारी चीज़ें हैं मेरी। और प्लस मुझे वो एरिया मिला था जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिला था, और वो एक ओपन एरिया था गाइस। ओके, तो ये कुछ ऐसा ही था। नहीं यार, वो कुछ इलाका ही कुछ अलग था यार, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ पर था वो। बर्फीला इलाका था इतना मुझे पता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है कि वो और क्या चीज़ था। ओके, तो फिर से ऊपर जाते हैं। तो मुझे रिमेम्बर करना होगा, और जैसे ही मुझे मिलता है उसके बारे में मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन शायद वो इलाका यही था जहाँ से मैं कूदा था। ओके, यही था शायद, यहाँ से मैं डाइव किया था मैंने। नहीं, ये इलाका नहीं था, वहाँ पर पानी भी नहीं था। आई डोंट नो यार कहाँ पर था वो इलाका। ठीक है, मिल गया शायद, नहीं मिला। रिमेम्बर, आई हैव टू रिमेम्बर गाइस, आई हैव टू रिमेम्बर उस जगह। सो यार, आज के लिए बस इतना ही। हम ढूंढेंगे अपने फिर से छुपे हुए खजाने को थोड़े दिन के बाद। तब
तब तक मुझे इस जगह को और ढूंढना होगा, और जहाँ पर मैं गिरा था मुझे वो जगह भी रिमेम्बर करनी होगी कि कहाँ पर गिरा था। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना कॉमेंट करके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।